चेक बाउंस क्या होता है और अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, 1:24 में आपका स्वागत है। अगर किसी पर्सन द्वारा आपको चेक दिया जाता है और वो बाउंस हो जाए तो उस समय आप कैसे कानूनी रूप से अपने पैसे वापस पा सकते हैं, तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि किसी पार्टी के दिए गए चेक को जब आप अपने बैंक में लगाते हैं और बैंक द्वारा इस बात की सूचना आपको मिलती है कि लगाए जाने वाले चेक के जारीकर्ता के खाते में उतनी रकम नहीं है जितने का चेक लगाया गया है, या फिर हो सकता है कि चेक जारी करने वाले ने हस्ताक्षर ही इस तरह से किया हो जो कि गलत है, या फिर चेक में कोई और टेक्निकल गलती हो गई है जिसके कारण वह चेक बाउंस हो गया है। चेक जारी किए जाने की तारीख पर जब आप उसे अपने बैंक में खाते में जमा राशि को चाहते हैं और धन जमा नहीं हो पाता तो ऐसी कंडीशन को ही चेक बाउंस कहा जाता है। चेक बाउंस होने पर आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों चेक बाउंस होने की कंडीशन में कानून आपकी पूरी मदद करता है। इसके लिए कानूनी उपाय है कि आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 के तहत धारा 138 से 141 तक में राहत का मामला दर्ज करवा सकते हैं। परंतु ऐसी कंडीशन में आपको मामला दर्ज करवाने से पहले कुछ कदम उठाने की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे पहले है कि आप चेक की फोटोकॉपी कराएं ताकि जरूरत पड़ने पर आप पार्टी के पास उस बैंक के टिप्पणी का प्रमाण दिखाने के लिए भेज सकते हैं। चेक जारी करने वाले को फोन द्वारा अपना आदमी भेजकर या फिर खुद जाकर मालूम करने की कोशिश करें कि किस कारण से चेक बाउंस हुआ है। अधिक संभावना यही होती है कि चेक जारी करने वाला खेद प्रकट करते हुए आपको दूसरा चेक जारी कर देता है या फिर बाउंस हुआ चेक आपसे लेकर नकदी का भुगतान करता है। यदि दूसरी बार भी चेक बाउंस हो जाता है और पार्टी द्वारा लिखित या मौखिक सूचना पाने के बाद भी भुगतान नहीं किया जाता तो आप कानूनी कदम उठा सकते हैं। कानूनी कार्यवाही करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों चेक बाउंस होने की तारीख के 30 दिनों के अंदर चेक जारी करने वाले पक्ष को भुगतान का नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहें। नोटिस में इस बात का उल्लेख करें कि 15 दिनों के अंदर भुगतान नहीं मिलने पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत आप उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे जिसकी समस्त खर्चे के जिम्मेदार वह होंगे। नोटिस किसी वकील द्वारा जारी करवाएं। वकील उचित कानूनी भाषा में नोटिस लिख सकता है और आगे जरूरत पड़ने पर उनके द्वारा अदालती कार्यवाही भी करवा सकता है। वकील द्वारा नोटिस भेजा जाना प्रभाव डालने वाला भी होता है, इसलिए सलाह दी जाती है कि जब भी आप किसी को नोटिस भेजें तो एक कानूनी कार्यवाही करने के लिए वकील के द्वारा ही भेजें। नोटिस भेजे जाने के 15 दिन गुजर जाने के बाद यदि चेक जारी करने वाला भुगतान नहीं करता तो उस क्षेत्र में आपका चेक बाउंस हुआ है, यानी कि वह बैंक जहां पर आपका चेक बाउंस हुआ था वहां के थाने के उस जिले के क्षेत्र या जिले के मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यह शिकायत बाउंस चेक पर हस्ताक्षर करने वाले के संबंधित होगी। बाउंस चेक जारी करने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से भुगतान करने के लिए बाध्य होता है। मैजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज करने के बाद रकम डिलीवरी के लिए दीवानी मुकदमा दायर हो जाता है। यदि ऐसा लगे कि दूसरा पक्ष आपकी रकम हजम करना चाहता है, उसने धोखा देने के इरादे से आपको चेक दिया है और बैंक द्वारा रकम की प्राप्ति नहीं हो सकती तो पुलिस में धोखाधड़ी की FIR भी दर्ज करवा कर मुकदमा दायर करवा सकते हैं। यह मुकदमा पुलिस द्वारा चलाया जाएगा। चेक बाउंस का केस करते समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है? चेक बाउंस का केस करते समय आपको सबसे पहले अपोजिट पार्टी को जो लीगल नोटिस भेजा है उसकी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और जब आप नोटिस भेजते हैं तो आप उसे रजिस्टर पोस्ट से भेजें। रजिस्टर पोस्ट की रिसिप्ट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए और बैंक द्वारा भेजा गया बाउंस चेक आपके पास होना चाहिए। बैंक द्वारा भेजा गया मेमो, इसमें यह मेंशन होता है कि आपका चेक बाउंस हुआ है और आपका एक ID प्रूफ होना चाहिए। चेक बाउंस का नोटिस भेजने के लिए वकील की फीस कितनी हो सकती है? चेक बाउंस के नोटिस भेजने के लिए किसी वकील की फीस आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितना बड़ा वकील हायर किया है। वैसे नॉर्मल ही अगर देखा जाए तो एक चेक बाउंस के केस के लिए नोटिस भेजना है तो वकील की फीस 500 से लेकर 5000 तक हो सकती है।
आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।